नमस्कार, आज हम पिंड तेल के बारे में जानेंगे। यह वीडियो गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी द्वारा स्थापित संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेस के द्वारा आपके लिए प्रस्तुत है। तो आइए देखते हैं कि पिंड तेल बनाने के लिए कौन कौन से विभिन्न प्रकार के द्रव्यों को उपयोग में लिया जाता है। मंजिष्ठा, रूबिया कॉर्डिफोलिया, सारीवा हेमिडेस्मस इंडिकस, सर्जरस शोरिया रोबस्टा, मधुचिष्ट यानी कि बीजवैक्स, तिल तेल यानी कि सीजम ऑयल। अब आगे देखते हैं कि पिंड तेल को किस विधि के द्वारा बनाते हैं। पहले मंजिष्ठा और सारीवा को खलवे यंत्र में पाउंड करके उसका कल्क तैयार करें। अब एक पात्र में तिल तेल लेकर उसमें मंजिष्ठा और सारीवा का तैयार किया हुआ कल्क डालें। अब इस मिश्रण में संदर्भ में दी हुई मात्रा में पानी डालें और मध्यम आंच पर पाक करें। उसी दौरान साथ में सर्जरस को भी विचूर्णित कर ले। पाक करते समय यह ध्यान रखें कि मिश्रण ना जले। अब पाक सिद्धि लक्षण की प्राप्ति होने के बाद बने हुए मिश्रण को छान ले। अब छाने हुए तेल में मधुचिष्ट और विचूर्णित किए हुए सर्जरस को डालें। जब तक मधुचिष्ट अच्छी तरीके से तेल में पिघल न जाए तब तक तेल को स्टर करें। पिंड तेल बनाने की यह विधि का संदर्भ अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान है। अब जानते हैं कि हमें कौन कौन से पाक सिद्धि लक्षण की प्राप्ति होती है। फेनोदगम फ्रॉथ्स वर ऑब्जर्व्ड, वर्ती कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यूजेस वात रक्त रुझा दाह इत्यादि, डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र एवं वैशाज्य कल्पना। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।